हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ कि फोकस्ड स्टेट प्रॉपर्टी रैपर को कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। वो जो है iOS 15 में आया है, तो करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर किसी को iOS 15 से रिलेटेड वीडियो देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी वो iOS 15 से रिलेटेड ही आएंगी, काफ़ी सारी आएंगी, क्योंकि iOS 15 में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, कई नई प्रॉपर्टी रैपर्स आए हैं और काफ़ी कोड और कई नए भी आए हैं जो प्रॉपर काफ़ी हैंडी बना देते हैं UI को ना। तो अगर वो देखने हैं तो वीडियो को लाइक वाइक से सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाया मैंने, है ना, और टाइटल मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, और बाइंडिंग के लिए मैं क्या बना लेता हूँ, एट द रेट स्टेट वेयर फर्स्ट जो है बाई डिफॉल्ट मैंने ये दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डॉलर फर्स्ट और प्रॉम्प्ट में ये दे दिया, ठीक है। तो अब मैं जब आया ना, तो ये एक स्क्रीन खुली और यहाँ पे फर्स्ट नेम दिख गया, ठीक है। फर्स्ट नेम तो दिख गया, पर मैं क्या चाहता हूँ ना, क्योंकि बटन टैप करे तो फर्स्ट नेम पे बाय डिफ़ॉल्ट फोकस आ जाए ना। अगर मुझे फोकस करना है तो क्या करना पड़ेगा, फोकस्ड, और यहाँ पे कंडीशन जाती है, तो कंडीशन को जाने के लिए क्या करेंगे, फोकस्ड करके, फोकस स्टेट करके एक प्रॉपर्टी रैपर है वेयर, और टेक्स फील्ड स्टेटस करके हम एक कीवर्ड बनाने वाले हैं जिसकी वैल्यू बूल दे देते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, इसे दे दिया डॉट डॉलर टेक्स फील्ड स्टेटस, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बटन बनाया हमने, अब क्या करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू चेंज होगी, जैसे दिखा देता हूँ मैं, चेंज इवेंट, और मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स फील्ड स्टेटस डॉट टॉगल, है ना। तो अब मैं देखूँगा ना, बाय डिफॉल्ट तो कुछ कुछ चेंज आया नहीं, अब भी नहीं आया। अब मान लो मैं चेंज इवेंट पे टैप करूंगा ना, तो देख रहे हो फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली फोकस बन गया, फोकस में आ गया, इसको टैप किया बंद हो गया, इसको टैप किया ओपन हो गया। तो ये तो सिंगल एक टेक्स्ट फील्ड के लिए है ना। अब मान लो कि दो टेक्स्ट फील्ड हैं, तो दो टेक्स्ट फील्ड हैं तो कैसे कर सकते हैं, दो टेक्स्ट फील्ड हैं तो एक तो वर्स्ट तरीका ये है कि इसके नीचे एक और वेरिएबल बना लूँ, या फिर एक तरीका ये है कि मैं क्या कर लूँ, एट द रेट स्टेट, जैसे स्टेट के वेरिएबल बनाते हैं या फाइल प्राइवेट बना लेते हैं, नॉर्मली उन्हें प्राइवेट ही रखना सही है। तो अब मैंने क्या किया, लास्ट किया और उसको भी एम्प्टी दे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या जाने वाला है, यहाँ पे जाने वाला है लास्ट, है ना, लास्ट चला गया। और टेक्स फील्ड, अब देखो टेक्स फील्ड स्टेटस है, देखो दो तो जागे जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, ई मिनम बना लो या स्ट्रक्ट बना लो, कुछ ही बना लो अपने केस में। मैंने ई नम बना लिया ना, टेक्स फील्ड स्टेटस, ठीक है, टेक्स फील्ड स्टेटस बनाया, और यहाँ पे मैंने इसको टेक्स फील्ड स्टेटस दे दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शनल ही रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आएगी तो निल दिखेंगे ना। तो अब क्या बोल रहा है, इसके आगे प्राइवेट और लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई केस तो हमने दिया नहीं, तो एक केस देते हैं, केस फर्स्ट और केस लास्ट दे दिया, फर्स्ट और लास्ट दे दिया। अब यहाँ पे यही रहेगा, और इक्वल्स करके एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, फर्स्ट नेम यही रहेगा और इक्वल्स लास्ट नेम, लास्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और एक लास्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है कि इफ टेक्स फील्ड स्टेटस इज डबल इक्वल्स टू डॉट फर्स्ट है, तो उसे टेक्स फील्ड को लास्ट कर दो, ठीक है। अगर एल्स टेक्स फील्ड को क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, तो फर्स्ट है तो लास्ट कर दो, लास्ट है तो फर्स्ट कर दो। तो बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टेड नहीं है, मैंने फर्स्ट पे टाइप किया तो फर्स्ट नेम बन गया, फिर दोबारा टाइप किया तो लास्ट नेम बन गया, देख रहे हो ऊपर नीचे अपने आप स्विच हो रहा है, मैंने मैंने कुछ किया तो नहीं है। अब मैं बाहर टाइप करना चाहूँ तो, और इसे देना चाहूँ बाहर, मान लो कि इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट रेड दे दिया, और डॉट ऑन टैप जेस्चर मैंने ये दिया, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड स्टेटस को मैंने, टेक्स्ट फील्ड स्टेटस को मैंने निल कर दिया, ठीक है, निल किया। तो अब क्या होगा, जैसे रेड है इतना ही है, अब यहाँ पे किया मैंने, बाहर टैप किया तो दोनों निल ही हो गए, नहीं देख रहे हो, किसी पे भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो ठीक है, बाहर कर रहा हूँ तो निल हो रहा है। यही थी वीडियो, फोकस स्टेट करके एक नया प्रॉपर्टी रैपर है जो स्विफ्ट 50 सॉरी iOS 15 में आया है, और भी कई सारे प्रॉपर्टी
करने वाले हैं, मतलब जो नए नए चेंजेस आए iOS 15 में, तो उससे रिलेटेड अगर वीडियो देखनी है तो लाइक वाइक शेयर वेयर सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।